नेक्सॉन फेसलिफ्ट रिवील होने के बाद अब न्यू नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट भी रिवील हो चुकी है। एंड अगेन यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बहुत बढ़िया काम करा है। इनफैक्ट पूरी गाड़ी का ही डिजाइन चेंज है और फील होता है मानो फेसलिफ्ट अपडेट नहीं नेक्स्ट जनरेशन अपडेट मिला हो गाड़ी को। तो चलिए इस वीडियो में नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट को कम्पेयर करते हैं ओल्ड नेक्सॉन ईवी से एंड देखते हैं सिर्फ लुक्स में ही चेंजेस करे गए हैं या फिर बैटरी एंड रेंज में भी कुछ चेंजेस आया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लुक्स के साथ। न्यू नेक्सॉन ईवी दिखने में अब फ्यूचरिस्टिक लगती है और अब इसका डिजाइन एग्रेसिव और आई कैचिंग हो चुका है। चेंजेस देखें तो न्यू नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट में अब न्यू एलईडी स्प्लिट हेडलैम्प आता है, न्यू कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। ये ट्रेंडिंग फीचर है और न्यू नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट पे ये अच्छी भी दिख रही है। सेंटर में टाटा का 3D लोगो है और इसके नीचे ग्रिल जैसा कुछ है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट में तो ये ग्रिल ही है बट शायद यहाँ पे ये क्लोज्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में ग्रिल का जरूरत ही नहीं होता। बाकी इसके नीचे एयर डैम को हटाकर वर्टिकल लाइन के साथ डिजाइन पैटर्न मिलता है और ये चीज फुल इलेक्ट्रिक कार वाली वाइब दे रही है गाड़ी को। गाड़ी के साइड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। न्यू अलॉय व्हील्स है 16 इंच का। ईवी का बैज यहाँ से हटाकर थोड़ा नीचे कर दिया गया है और विंडो पे जो ये लाइन था उसे अब ब्लैक कलर्ड कर दिया गया है। रेयर में न्यू कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप मिलता है जो की काफी कूल वाइब देता है गाड़ी को। इस बार को अब हटा दिया गया है तो इस वजह से रेयर का यह पार्ट अब दिखने में काफी सिंपल लगता है। सेंटर में टाटा का 3D लोगो है, इसके नीचे नेक्सॉन ईवी का बैज मिल जाता है और बाकी बम्पर पे रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट एंड स्किड प्लेट मिल जाता है। इंटीरियर पे आए तो अब न्यू नेक्सॉन ईवी का इंटीरियर कूल और एडवांस दिखने लगा है क्योंकि काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। न्यू फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो की काफी सारे फीचर्स के साथ आती है लाइक नेविगेशन, कंपास, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड मोर। न्यू स्टेयरिंग व्हील है डुअल टोन में विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रीडिजाइंड एसी वेंट्स, टच बेस्ड कंट्रोल फॉर एसी, हैजार्ड लाइट, वेंटिलेटेड सीट्स एंड मोर फीचर्स। इसके अलावा और भी चेंजेस करे गए हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गाड़ी के केबिन में आपको अब मल्टीपल कलर ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपना कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये अब बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है इस गाड़ी में। अब देखते हैं गाड़ी के बैटरी पैक एंड रेंज के क्या ऑप्शन ऑफर करे गए हैं और इनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो अब न्यू नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट में आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, LR और MR का। LR मतलब लॉन्ग रेंज और MR मतलब मिड रेंज। मिड रेंज में 30 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक ऑफर करा गया है और इसके साथ सिंगल चार्ज रेंज क्लेम किया गया है 325 किलोमीटर का, मतलब नेक्सॉन ईवी प्राइम से 13 किलोमीटर ज्यादा रेंज मिलता है यहाँ पे जबकि बैटरी पैक सेम है। इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 129 हॉर्स पावर जनरेट करेगी एंड 215 NM का टॉर्क जनरेट करेगी और गाड़ी इस बैटरी एंड मोटर पैक के साथ 0-100 सिर्फ 9.2 सेकंड में कर लेगी। इसके बाद LR मतलब लॉन्ग रेंज में आपको 40.5 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक ऑफर करा गया है और इसके साथ रेंज क्लेम किया गया है 465 किलोमीटर का, तो यहाँ पे भी आपको 12 किलोमीटर का ज्यादा रेंज मिल रहा है नेक्सॉन ईवी मैक्स के मुकाबले जबकि यहाँ पे भी बैटरी पैक सेम है। और इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को 145 हॉर्स पावर डिलीवर करेगी एंड 215 NM का टॉर्क डिलीवर करेगी और इस बैटरी पैक एंड मोटर के साथ गाड़ी 0-100 8.9 सेकंड में कर लेगी। तो ठीक ठाक अपग्रेड्स मिलते हैं और रेंज में जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका रीजन बस एक है, टाटा मोटर्स ने अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सेल करी है उन गाड़ियों की वजह से टाटा के पास कुछ रिकॉर्ड है ड्राइविंग स्टाइल से रिलेटेड, तो उन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग गाड़ी में मैकेनिकल चेंजेस किए गए हैं, इस वजह से गाड़ी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज मिल जाता है और जो मोटर है उसे भी थोड़ा छोटा एंड हल्का बनाया गया है, तो इसी वजह से इस गाड़ी में अब आपको थोड़ी बेटर रेंज मिल रही है। ये तो परफॉर्मेंस की बात हो गई, अब बैटरी के चार्जिंग की बात करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड चार्जर के साथ गाड़ी को चार्ज करते हो तो 10-100% तक चार्ज होने में 10.5 आवर्स का टाइम लगेगा मिड रेंज के लिए और 15 आवर्स का टाइम लगेगा लॉन्ग रेंज के लिए। बट अगर आप 7.2 किलोवाट एसी चार्जर खरीदते हो और इससे चार्ज करते हो तो मिड रेंज नेक्सॉन 10-100% 4.3 आवर्स में चार्ज होगी और लॉन्ग रेंज नेक्सॉन को 10-100% तक चार्ज होने में 6 आवर्स का टाइम लगेगा। बट अगर आप चार्जिंग स्टेशन में डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 10-100% 56 मिनट में होने वाला है मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों नेक्सॉन के लिए, मतलब गाड़ी की चार्जिंग स्पीड भी इंक्रीज हुई है। बट हाँ, स्टैंडर्ड चार्जर से तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इससे बेटर है आप 7.2 किलोवाट एसी चार्जर खरीद ले। अब गाड़ी की सेफ्टी एंड फीचर्स रह गई, तो ये गाड़ी
फरारी ऑलरेडी सेफेस्ट कार है इस सेगमेंट की विद 5-star सेफ्टी रेटिंग्स, बट अब न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक 6 एयरबैग, ऑटो होल्ड, हिल एसेंट एंड डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। फीचर्स की बात करें तो एक एक फीचर्स तो मैं नहीं बताने वाला इस वीडियो में, तो मैं उन फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट में ऐड करे गए हैं। तो फीचर्स है 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, यूएसबी टाइप सी चार्जर फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ, पैडल शिफ्टर एंड मोर फीचर्स। तो ये रही न्यू नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट। क्लियरली समझ चुके होंगे गाड़ी में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं एंड कहां कहां पे चेंजेस करे गए हैं। फिलहाल तो ये गाड़ी सिर्फ रिवील हुई है और इसकी प्राइसिंग आने वाली है 14 सितंबर को, मतलब ऑफिशियली 14 सितंबर को ही लॉन्च होगी, बट अगर एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो 15 लाख रुपीज के आसपास हो सकती है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।